हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन को आप फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं, और फ़ोन को कैसे और डाटा को रीसेट कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आप देख सकते हैं। तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, और सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है। तो ये ऑप्शंस आ जाएगा, जिस पे ऑप्शंस पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं। तो आपको रीसेट डाटा का यूज़ करना है, जिसका यूज़ करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। जब आप इस पर जाते हैं एंड पासवर्ड डाल देते हैं, तो सिंपली ये ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करते ही फ़ोन शुरू से स्टार्ट हो जाएगा और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका और डाटा भी आपके फ़ोन में रीसेट हो जाता है। तो इस तरीके से भी फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि आप ऑल सेटिंग्स वगैरह को भी रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।